मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मां भवानी का प्राचीन मंदिर। यहां मां भवानी की श्वेत प्रतिमा दिव्य रूप में विराजमान है। मान्यता है कि यहां माता से जो कुछ भी मांगा जाता है वह पूरा होता है। नवरात्रि में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। मंदिर के पुजारी सुनील जोशी बताते हैं कि द्वापर युग में पांडव समकालीन यह मंदिर है। राजा भोज परमार द्वारा एक बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। वर्तमान में जनसहयोग से फिर एक बार मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। महिष्मती स्मारिका नाम की एक पुस्तक है जिसमें इस मंदिर का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। इसके अलावा जिस ताम्रपत्र पर मंदिर का उल्लेख किया गया है वह ताम्रपत्र भी आज पेशवाओं के शनिवारवाड़ा में सुरक्षित रखा हुआ है। पेशवाओं के अधीनस्थ होने से होलकर शासन में देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती रही है। सुनील जोशी का कहना है कि अपने परिवार की वह 14 से 15वीं पीढ़ी है जो इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि वैसे तो वर्ष भर यहाँ माता की पूजा अर्चना होती है, परंतु नवरात्रि में विशेष रूप से माता की यहाँ त्रिकाल पूजा की जाती है। मंदिर के नीचे सार्वजनिक नवरात्रि गरबा उत्सव मनाया जाता है। इस बार होने वाले गरबा महोत्सव में कई तरह के आयोजन चल रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों और शहरों से अलग अलग गरबा टीम और कवि सम्मेलन यहां पर हो रहा है। करीब 18 घंटे तक मंदिर का पट भक्तों के दर्शन के लिए खुला है। पूरे दिन हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन और पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। खरगोन जिले में कसरावद तहसील में भवानी माता मंदिर परिसर में इस समय खड़े हैं और यह मंदिर लगभग पांडवकालीन समकालीन तो निर्मित है। राजा भोज परमार द्वारा इसका एक बार जीर्णोद्धार भी हुआ है और अब नानाविध भक्तों द्वारा इसका जीर्णोद्धार चल रहा है और लगभग इस मंदिर का अभी ऐतिहासिक वर्णन तो लगभग पांडवकालीन से अभी तक है अपने पास विधिवत। और श्वेत मूर्ति है माँ भवानी की, दिव्य प्रतिमा है और हजारों भक्तों की यहाँ मन्नतें पूरी होती रहती है और दिन प्रतिदिन माँ भगवती के तीन स्वरूपों में माँ भगवती का श्रृंगार होता है। त्रिकाल पूजा होती है, त्रिकाल आरती होती है, देवी पाठ होते हैं, द्वादशी के दिन यजन होता है विद्वत ब्राह्मणों द्वारा। मतलब इतना पुराना विचार बता रहे हैं शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है? इसका शास्त्रों में वर्णन भी है हमारे पास। उसके बाद महिष्मती स्मारिका करके एक पुस्तक है उसमें भी अच्छा विस्तृत रूप में इसका वर्णन दिया गया है। और होलकर राज्य से माँ अहिल्या साहेब द्वारा चलाया जाता था, पेशवाओं के अधीनस्थ पूरा चलता था। आज भी इस मंदिर का जो है ताम्रपत्र लेख इस मंदिर का वो पेशवाओं के जो शनिवारवाड़ा है वहाँ पर सुरक्षित रूप से रखा गया है। और हमारी पीढ़ी से लगभग 14 से 15 पीढ़ी होते होते पूर्वज दर पूर्वज होते होते अभी 14 पीढ़ी तक तो अभी एक ही परिवार द्वारा सेवा की जा रही है। महोत्सव चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर आयोजन अनुष्ठान चल रहे हैं? यहाँ पर सुबह प्रातः काल तो करीब 5:30 बजे माँ की पहली आरती होती है, उसके बाद देवी पाठ होता है, माँ का 7 बजे वापिस वस्त्र परिवर्तन होता है, श्रृंगार होता है, फिर देवी पाठ, फिर मध्यान्ह में वापिस देवी जी की आरती होती है और दिन भर मंदिर खुलने के बाद 4 बजे फिर सायंकालीन आरती के लिए फिर भगवती का श्रृंगार होएगा, फिर आरती होती है। इस प्रकार ये त्रिकाल पूजा निरंतर 9 दिवस तक पर्यंत चलेगी, उसके पश्चात 12वें दिन यहाँ पर यज्ञ होगा। अभी कुछ गरबे वगैरह भी हो रहे हैं अलग अलग टीमों के? यहाँ पर नगर द्वारा जो है नगर के सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव मंडल द्वारा आयोजित गरबा किया जा रहा है। आज भी जो है नगर की समस्त स्कूलों द्वारा छोटी मोटी नन्नी मुन्नी बालिकाओं द्वारा आज गरबे निम्न प्रकार से किए जाएंगे। उसके बाद कवि सम्मेलन है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम नीचे होते रहते हैं, नगर के सहयोग से भक्तों के द्वारा निरंतर यहाँ पर कुछ न कुछ चलता है। तो यहाँ से कतार चालू हो तो नीचे तक कतार लगे इतनी लगभग, तो ऐसे इस कतार को लगभग जो है हम रात्रि 7:30-8 बजे से प्रारंभ करते जो कि रात की 10 बजे तक और सुबह 4:30 से निरंतर आना जाना भक्तों का लगा रहता है। भक्तों दर्शन के लिए क्या समय रखा गया दर्शन? सुबह 4:30 से ये जो है रात की 11 बजे तक निरंतर खुला रहता है, रात 11 बजे बाद ये बंद कर दिया जाता है और सुबह प्रातः 4:30 बजे फिर मंदिर खोल दिया जाता है। मेरा सुनील जोशी, दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।